मेरे चैनल एजुकेशन टॉक्स विद अब्बास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन सुम्मा आमीन। सो डियर फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक्स विद अब्बास। दोस्तों, मैंने क्लास 11 की जो लेक्चर की सीरीज़ का आगाज़ किया है, तो इसमें लेक्चर नंबर 5 है मेरा। इसमें तो इसमें जो हम मैंने जो ये अपनी प्लेलिस्ट पे स्टार्ट की है क्लास 11 की केमिस्ट्री, इसमें अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हम चल रहे हैं। पूरी बुक की मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड क्वेश्चन कौन से हैं और एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन। हम चैप्टर नंबर 1 पे हैं, बेसिक केमिस्ट्री, और लेक्चर नंबर 5 है। प्रीवियस लेक्चर आपने देखने हो तो उस पर आप रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स क्या होते हैं और इस पर आप वीडियोस मेरी देख सकते हैं। सो आज हमारा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव एटॉमिक मैसेस की बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके 90+ मार्क्स आएँ तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप मेरी आने वाली नई वीडियोस देख सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकें। सो मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। ये छोटा सा लेक्चर है रिलेटिव एटॉमिक मैस अकॉर्डिंग टू बोर्ड सिलेबस। सो इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मैस क्या होता है, व्हाई वी यूज़ एटॉमिक मैस एवरेज या फ्रैक्शन, ठीक है, एक न्यूमेरिकल करेंगे हम सोल्व। सबसे पहले हमारा जो है इसमें हम देखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मैस होता क्या है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट हैव देयर एटॉमिक मैस इन फ्रैक्शन, ठीक है। दिस इज़ ड्यू टू, अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि हम एलिमेंट जो होते हैं हम उनके एटॉमिक मैस को हमेशा फ्रैक्शंस में लेते हैं, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मैस, या उसे हम एवरेज में लेते हैं, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मैस में भी हम उसे कंसिडर कर लेते हैं। सो दिस इज़ ड्यू टू रीज़न दैट एटॉमिक मैस डिपेंड अपॉन टू थिंग्स। हम क्यों लेते हैं एवरेज एटॉमिक मैस, उसकी दो रीज़न है, एक नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप्स देखने के लिए और नेशनल अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स देखने के लिए। ये रीज़न है इसकी, दो रीज़न आप अच्छे तरीके से इसे याद कर लीजिए। न्यूमेरिकल इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल का। तो एग्जांपल नंबर 1 देखिए, हमारे पास नियोन का सैंपल है, उसके आइसोटोप्स हैं नियोन के, नियोन 20, नियोन 21, नियोन 22। उसकी परसेंटेज बताई हुई है 90.92% है। हमारे पास नियोन 20, नियोन 21 जो है 0.26% है और नियोन 8.82 जो हमारे पर्सन है वो नियोन 22 है। अब हमने इसमें फ्रैक्शनल एटॉमिक मास बतानी है या एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियोन, कैसा भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। इससे पहले हम डाटा लिखेंगे, हमें हमारे पास आइसोटोप्स दिए हुए हैं 3, नियोन के 3 होते हैं आइसोटोप्स, उसकी हमें रिलेटिव अबंडेंस बताई हुई है। हमने फाइंड क्या करना है, एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करना है। सो एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला याद कर लीजिए, इसका फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं, बस सिर्फ हमने अबंडेंस को उसके मास के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, हमने एटॉमिक मास के साथ। अब आपको पता है एटॉमिक मास कहाँ होता है, एटॉमिक मास हमेशा हमने पिछले प्रीवियस वीडियोस में देखा, वो लाजमी देखें, आइसोटोप होते क्या हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। सो 20 हमारे पास इसमें क्या है, हमारे पास एटॉमिक मास है 21, 22, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एटॉमिक मास को परसेंटेज अबंडेंस तो ये हम इसको प्रेस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 20.18 AMU एटॉमिक मास यूनिट। हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास आ गया है नियोन का 20.18 AMU। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्स, ये न्यूमेरिकल ऐसे लाजमी आप देखें, इसे हाथ पे आप हाथ से इस कॉपी पे आप लाजमी करें इसे, तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करना चाहते हैं। अच्छा, लास्ट पे जो हमारा रह गया नोट, इस पे वेरी इंपॉर्टेंट है,
it is important to note that no individual atom of neon in this sample has mass of 20.18. अब ये अकेले का मास नहीं है, मतलब न्यून 21 का मास नहीं है, ये एवरेज एटॉमिक मास है और लेबोरेटरी में हम ज़्यादातर यही इस्तेमाल करते हैं एज अ एवरेज मास, यही हम यूज़ करते हैं। सो आज हमने सीखा फ्रैक्शनल मास या एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है, और इसकी यूजेस क्या हैं और इसका न्यूमेरिकल। सो आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी। अब नेक्स्ट